मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी पहले साफ बिल्कुल सुथरी मिर्चें, इसे अच्छे से धोने के बाद हम यूज करेंगे। धो के इसको अच्छे से सुखा देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रह जाए। अच्छे से धूप में रख के आप इसको सुखा लें या किसी कपड़े से पोंछ लें साफ सुथरे। और धोने के बाद इसमें हम बीच में से कट मारेंगे, ऐसे कट मारेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। पहले हम इसकी जो फीलिंग्स है, मसाले की जो फीलिंग है, जो इसमें मिर्च इसके अंदर मसाला डालेंगे अचार के, अचार बनाएंगे, वो हम मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से मसाले होंगे। हमें उन्हें हम सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करने हैं। आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब हम ये ड्राई मसाले हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, धनिया है, साबुत धनिया है, 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, 4 चम्मच। और ये जीरा है, 4 चम्मच आप जीरा ले लीजिए। अब फ्लेम जो है मीडियम रखी है। और ये मेथी दाना है, 1, 2, 3, 4। और ये अजवाइन, और ये सरसों के दाने हैं। आपके पास पीली सरसों के दाने हो वो यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये वाले सरसों के दाने थे। या आप राई हो, आप राई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भुनेंगे। ड्राई रोस्ट हम इन सभी चीजों को करेंगे। और एक और चीज हम इसमें डालेंगे, वो है सौंफ, 4 बड़े चम्मच हमने यूज किए हैं सौंफ के। और हल्का सा हम इसे भुनेंगे, रोस्ट करना है ताकि इनका इसका भी जो मॉइस्चर है इन सब चीजों का वो निकल जाए। हल्के से खुशबू आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। आपको आवाज आ रही होगी, सरसों के दाने चटकना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए हमारे रोस्ट हो चुके हैं, गैस को हम ऑफ कर देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे और इसे मिक्सी में हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे। तब तक हम अपने मिर्चों को तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें ये मिर्चों को तैयार करेंगे। मिर्चा तैयार करने के लिए हमें क्या करना, अचार के लिए यहाँ से बीच से कट मारना पड़ेगा, बस हल्का सा हमें कट मारना है, हल्का सा। ये देखिए इसकी पॉकेट तैयार करनी है, ये देखिए ज्यादा बीज नहीं है, हमें इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है और तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। बस ऐसे इस तरह से हम सभी मिर्चों को तैयार कर लेंगे। और आप चाहें तो ये डंठल निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही क्योंकि ऐसे ही मैं अचार डाल रही हूँ, ये भी अच्छे लगते हैं मुझे। आप चाहें तो इस डंठल को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से ही निकालना होगा। पॉकेट्स इस तरह से आप पॉकेट्स बना लीजिए, ज्यादा डीप कट नहीं लगाना है, बस हल्का सा कट लगाना है। अब हमने मसाला भी हमने तैयार कर दिया है जो अंदर भरना है, और मिर्ची भी हमने तैयार कर ली है। अब हम ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल हम यूज करेंगे। जब भी आप अचार बनाएं, किसी भी चीज का अचार बनाते हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज करें। तो यहाँ पे मैंने कम से कम आधी कटोरी यानी कि आधा कप से भी कम, तीसरा हिस्सा मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया। इसे अच्छे से धुआं आने तक गर्म करना है हमें, उसके बाद जब गर्म हो जाए तो हमें ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखिए इसमें धुआं आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो अच्छे से पक चुका है, कुक हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसका ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। तब तक के लिए हम इन ड्राई जो ये मसाले, इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप नमक अभी डाल देंगे और हल्दी आप 1.5 चम्मच डाल देना। अभी मैं भी डाल रही हूँ हल्दी का इस्तेमाल, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो आप उसे जरूर इस्तेमाल करें। तो 1.5 चम्मच मैं हल्दी का यूज कर रही हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए। और हाँ, इसमें मिर्च भी डाली जाएगी, वो चाहे आप बाद में डालें पिसने के बाद या अभी डालें, क्योंकि वो पिसी भी चीज है, आप कभी भी डाल सकते हो उसमें। ये देखिए मैंने इसमें जार में डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर मैं इसे पीसने के बाद आपको मिलती, लेकिन इसे जो पीसना होगा वो बिल्कुल दरदरा पीसना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, बारीक नहीं करना है। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये देखिए मिक्सी में हमें ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं ऐसा दरदरा हमें करना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम अपना तेल देखते हैं वो कितना ठंडा हुआ है। तो उस तेल के अंदर हम ये सभी मसाले हम अपने बाद के डालेंगे। तो ये हल्का ठंडा हो चुका है, हम गर्म नहीं करेंगे और ना ही हम अपने गैस को ऑन करेंगे। तो ये जितना भी मसाला है हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ठंडे इसमें डालना है क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी कुक है। आपको ज्यादा
गैस ऑन करने की या गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये डालने के बाद इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, मैंने आपको बताया था 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी यूज किया है। और ये लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं 1 चम्मच, क्योंकि ये हमारी जो मिर्च है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, और अचार में तीखापन ना हो तो फिर बात नहीं बनती है, और साथ ही अचार में खट्टापन ना हो तो भी बात नहीं बनती है। तो खट्टापन के लिए आप ये अमचूर, मैं यहाँ पे ये आपको बता देती हूँ, अमचूर डाल रही हूँ यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच यूज कर रही हूँ। और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज करें, अचार है अचार में नमक ज्यादा लगता है, तो मैं यहाँ पे 3-3.5 चम्मच यहाँ पे यूज किया है आपके सामने। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन अचार में ज्यादा नमक लगता है। सारी चीजों को मिक्स करेंगे हम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसालों से। ये जो अचार का मसाला होता है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है, अब हम अपने मिर्चों को भरेंगे। अब ये मसाला जो हमने डाला है, तो इसको फिलिंग भरने से पहले हम इसमें ये सिरका है 3 चम्मच हम यहाँ पे सिरका यूज करेंगे, 3 बड़े चम्मच हमने सिरका यूज किया है। सिरका जो है हमारे अचार के लिए इसलिए जरूरी होता है कि हमारा अचार जो है उसमें फफूंदी नहीं लगती है, तो वो हमारे अचार को लॉन्ग लाइफ देता है, तो वो ऐड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए सिरके को, फिर हम इसमें जो है ये सारा मसाला अपनी मिर्च में भर देंगे, फिलिंग करेंगे इसकी। तो अब हम इसमें पॉकेट्स में अपने जो ये मसाले हैं वो मैं भरने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मसाला आप लें और इसे अच्छे से भर दें, अच्छे से आगे पीछे सारे जगह भर दें। बस ज्यादा मसाला हमने नहीं भरना है, बस थोड़ा सा ही हमें इसमें मसाले भरने हैं। मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों से ही इसे भर रही हूँ, कि स्पून से मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि अच्छे से। ये देखिए अच्छे से आप आगे पीछे सारे कर दीजिए, ज़्यादा मसाले ना भरें, बस थोड़ा सा ही मसाला हम इसमें भरेंगे। ऐसे आप एक 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 करके ऐसे मसाला भरते जाएं, आगे पीछे करते जाएं। ये देखिए तो जो मेरे मिर्च में जो मसाला था वो भर दिया है, थोड़ा सा मसाला बच गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से हम गर्म करेंगे, धुआं आने तक हम इसे गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब हम किसी डिब्बे में कंटेनर में कांच के बर्तन में जब हम इसे डालेंगे अचार को, तो ऊपर से ये तेल हम डाल देंगे, उससे क्या होगा हमारी जो मिर्च है वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाएगी। तो बस इसे हम हल्का सा पकाएंगे, ताकि तेल मसालों में इसलिए डाला है ताकि मसाले भी इस तेल के साथ अंदर चले जाएंगे, कंटेनर में चले जाएंगे, तो हमारा जो ये बर्तन में जितने भी मसाले चिपके हैं वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये मैंने कंटेनर यहाँ पे यूज़ किया है, मैं यहाँ पे कांच का कंटेनर ले रही हूँ। अगर पॉसिबल हो सके तो आप कांच के कंटेनर में ही अपना अचार डालें, इसमें जो है कभी भी अचार आपका ख़राब नहीं होता। और सुखा के धो के अच्छे से यूज़ करें इसे, अगर आपके पास प्लास्टिक में डालना चाहते हैं तो उसे भी अच्छे से धो के सुखा के यूज़ करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप कांच के बर्तन डालें। तो आप ऐसे इस तरह से मिर्चों को इसमें डाल दीजिए, अच्छे से दबा दबा के जो है मिर्चों को रखना है हमें नीचे। ये ऑयल था जो मैंने आपको बताया था कि मसाले के साथ हम इसमें डालेंगे, तो ये ऑयल आप इसके ऊपर से डाल दीजिए, सारे मसाले भी इसमें चले जाएंगे, जितना भी आपका ऑयल था वो भी आपका इसमें अच्छे से चला जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है मिर्च का अचार बनाने का, और इसके कंटेनर का ढक्कन लगा दीजिए, और साफ सुथरे हाथों से ही आप इस अचार को खाइए। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अचार हमारा जो है बहुत बढ़िया बना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। मिर्च का अचार बहुत अच्छा बना है, आप इसे
धूप लगाना चाहे धूप नहीं लगा सकते, लेकिन इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कुछ घंटे तक। आपको इसी में इन मसालों को अच्छे से ऑब्जर्व कर देंगे मिर्चे, तो आप इसे खा सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं। और एक साल तक आप अगर ये खराब आपका अचार बिल्कुल भी नहीं होगा। खाने के साथ अगर मिर्च का अचार ना हो तो खाने का स्वाद फीका पड़ता है। तो अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक जरूर करें और शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे किचन के चैनल को, निशा किचन चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में आपके जल्द से जल्द लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।